तो यारो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन की तीन ऐसी गलतियां जिसने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। द एवेंजर्स का ये सीन जब टोनी मिसाइल को स्पेस में लेके जाता है और तब उसे पता लगता है कि उसका सूट स्पेस में कंपेटेबल नहीं है, और टोनी ने इसी बात से सीखकर एक ऐसा नैनोटेक सूट बनाया जो कि स्पेस में भी चल सके। नंबर टू पर है आयरन मैन 2 की विप्लैश और आयरन मैन की फर्स्ट फाइट, जिसमें विप्लैश ने टोनी के छक्के छुड़ा दिए थे इलेक्ट्रिसिटी से उसका सूट डिस्ट्रॉय करके। तो टोनी ने उसके बाद ऐसी सूट बनाई जो कि गॉड ऑफ थंडर एके तूफान के नेता के भी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सके। एंड फाइनली नंबर वन पर है टोनी की आयरन लीजन आर्मी, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी क्योंकि वो टोनी के बगैर कुछ भी नहीं थी। तो टोनी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में नई आयरन लीजन आर्मी बनाई जो कि इंडिपेंडेंट और स्मार्ट थी। तो यारो इससे हमें क्या पता चलता है कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है।